नमस्कार। और आज मैं जा रहा हूँ इंडिया आर्ट फेयर जो कि NSIC कोकलम में लगा हुआ है। ये इवेंट काफ़ी टाइम बाद हुआ है। लास्ट ईयर तो पैंडेमिक की वजह से ये इवेंट हुआ नहीं था और अब की बार 2022 में ये इवेंट लगा है। तो घर से जल्दी निकलना होगा क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा हो जाती है तो एंट्री नहीं होती है। सो अभी मॉर्निंग के बजे हैं 8:30। सो देखते हैं, उम्मीद करता हूँ एंट्री मिल जाएगी वहाँ पे। और जो लोग इंडिया आर्ट फेयर नहीं जा पाएंगे तो उनके लिए मैं वहाँ जाके वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं इंडिया आर्ट फेयर में। थैंक यू सो मच। सो फाइनली मैं इंडिया आर्ट फेयर पहुँच गया हूँ और एक अच्छी बात है कि यहाँ पर उतनी भी भीड़ नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता था कि ऐसा ना एंट्री ना हो पाए क्योंकि आज संडे है ना, तो इसलिए मे भी हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो। और अभी देखना, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो एंट्री यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। तो वैसे तो अच्छी, आज लास्ट डे है, जो लोग नहीं आ पाएंगे उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और अच्छा है कि मॉर्निंग में आ गया मैं, तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा सेटअप है। और ये हर बार तरीके इंडिया आर्ट फेयर इस तरीके से डिस्प्ले होता है, जिसके आगे आप खड़े होकर फोटो क्लिक करा सकते हो। तो अभी इतनी धूप में तो फोटो क्लिक नहीं कराने वाला। और वहाँ पे फूड का है सारा, देखते हैं जब भूख लगेगी तो जाऊँगा खाने। तो बाकी BMW इसके स्पॉन्सर करता है और काफ़ी अच्छा इवेंट होता है। लास्ट ईयर नहीं हुआ था और आप देख सकते हो अभी भीड़ नहीं है। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या है। और फाइनली मैं अंदर पहुंच गया हूं और आप देख सकते हो कितना बढ़िया डिस्प्ले हो रखा है। बाहर इतनी तेज़ धूप है, कितनी ज़्यादा गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन अंदर आके काफ़ी ठंडक है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देख करके। तो आप लोग आर्टवर्क देख सकते हो यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो टाइम लेके देखना पड़ेगा। सो काफ़ी खूबसूरत आर्टवर्क है, आप लोग देख सकते हो।
Thank you.